Welcome to Rising Suns Academy. सो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सभी जुड़ेंगे मेरे साथ करंट अफेयर के सेशन में। आज है 18 मई 2021 और हम देखेंगे 18 मई का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर का जो सेशन है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर अब पूछा जाने लगा है। तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो ध्यान से देखना है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक वीकली करंट अफेयर का सेशन भी आता है संडे के दिन, तो आप वो ज़रूर से देख लिया करो क्योंकि उस दिन वीकली करंट अफेयर का जो सेशन है उसमें पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है। तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो डेली करंट अफेयर में छूट जाते हैं तो वो उसमें कवर कराए जाते हैं। तो आपको वो वीडियो ध्यान से देखना है, ज़रूर से देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है ताकि कोई भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 11 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 मई। 18 मई यानी कि आज के दिन, आज के दिन मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये मनाया जाता है आज ही के दिन। सबसे पहली बार 1977 में मनाया गया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है ना। 1977 में सबसे पहले मनाया गया, 1977। और जो 2021 में मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रीइमेजिन। तो ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है। 18 मई क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, याद रखिए। अच्छा, लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आप जानते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कहाँ पर है? वो है कोलकाता। कोलकाता इंडियन म्यूजियम, लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और फैक्ट, डायनासोर म्यूजियम कहाँ पर है? इंडिया का पहला डायनासोर म्यूजियम है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और इंडिया का पहला मैरीटाइम म्यूजियम कहाँ पर है? वो भी गुजरात में ही है। मैरीटाइम म्यूजियम भी गुजरात में ही है। और लार्जेस्ट म्यूजियम मैंने आपको बता ही दिया है, वो कोलकाता में है। अच्छा, गंगा नदी के ऊपर भी एक रिवर एक म्यूजियम बनाया गया है, गंगा अवलोकन नाम से। गंगा नदी पर पहला म्यूजियम बनाया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो चंडी घाट है वहाँ पर गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नाम से एक म्यूजियम बना है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। तो म्यूजियम से रिलेटेड ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको जो बताए हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काम में आएंगी क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन डी, 18 मई। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दिवस से संबंधित है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 11 मई, 13 मई, 15 मई या फिर 16 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 मई। 16 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे 16 मई को ये मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? ये मनाते हैं डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि डेंगू कैसे फैलता है, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे फैलता है तो उसका बचाव कार्य कर सकेंगे, और अगर किसी को डेंगू हो जाएगा तो वो सही समय पर उसका इलाज ले सकेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 16 मई को। किसके द्वारा मनाते हैं? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। हर वर्ष मनाते हैं 16 मई को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डेंगू फैलता किससे? डेंगू मादा एडीज इजिप्टी एक मच्छर होता है, मादा
एडीज इजिप्टी एक मच्छर होता है उसके द्वारा फैलता है, और इसका जो वायरस है ये वायरल एक तरीके से वायरल ये जो डिसीज है डेंगू या फिर रोग है ये वायरल रोग है यानी कि वायरस से फैलता है, और इसका वायरस है DENV14 सीरोटाइप। सीरो टाइप ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रखिए मादा एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू होता है, और ये मच्छर जो है दिन में ही काटता है, तो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है और मादा एडीज इजिप्टी मच्छर इसके द्वारा होता है, ये नाम याद रखिए ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 16 मई को मनाते हैं डेंगू दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व दूर संचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 17 मई, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 15 जुलाई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 मई। 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकॉम डे, विश्व दूर संचार दिवस। ये दिवस मनाया जाता है इस उद्देश्य के साथ ताकि जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ हो सके। इस दिन का उद्देश्य है इंटरनेट टेलीकॉम और टेलीविजन के द्वारा तकनीकी दूरियों को कम करना और आपसी संचार और संपर्क को बढ़ाना, तो इसी उद्देश्य के साथ ये दिवस मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे, कब 17 मई को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है, ऑप्शन से आपके बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से पीड़ित पत्रकारों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने यहाँ के पत्रकारों को मुफ्त इलाज देगी अगर वो कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं या फिर उनके कोई परिवार का सदस्य कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसे भी मुफ्त इलाज दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पत्रकार शामिल हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी संपादकीय विभाग में काम कर रहे पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार, कैमरामैन, फोटोग्राफर जितने भी होते हैं जितनी कैटेगरी होती हैं सभी शामिल हैं इन पत्रकारों में। तो कोरोना पीड़ित पत्रकार अगर किसी पत्रकार को कोरोना हो जाएगा तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जो है वो मुफ्त में इलाज कराएगी इनका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश का शहर है एक इंदौर। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया था, 4 बार से प्रथम स्थान पर आया तो इसका नाम याद रखिए इंदौर शहर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में कर दिया गया है नर्मदापुरम, तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ही है, भीमबैठका की गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में ही हैं, और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे ये भी मध्य प्रदेश में ही है, तो ये जानकारी भी आप याद रखें। आइए बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपके लिए भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है नीरा टंडन, मीरा चोपड़ा, कोमल अग्रवाल या फिर सुनीता टंडन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरा टंडन। नीरा टंडन को महिला ये ऐसी महिला है जिन्हें व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की एक महिला है। हाल ही में इन्हें वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस का, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति, इनके द्वारा इनको राष्ट्रीय जो वरिष्ठ सलाहकार है वो नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें बाइडन द्वारा प्रबंध और बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए भी चुना गया था, इसके बाद अभी इन्हें सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है, ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन और भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। जुरोंग रोवर चीन के द्वारा भेजा गया था,
सात महीने पहले और सात महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद अब इसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है और चीन दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है अमेरिका के बाद जिसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और जुरोंग रोवर इसका नाम है। अच्छा, ये मंगल ग्रह पर अध्ययन करेगा। आप सभी जानते हैं कि नासा का एक रोवर है जो भी अभी मंगल ग्रह पर अध्ययन कर रहा है। नासा का एक रोवर है, यहाँ का जेजुरो क्रेटर है जिसका अभी हाल ही में पिक्चर्स भेजी थी नासा के रोवर परसिवरेंस के द्वारा भेजी गई थी, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चीन दूसरा देश ऐसा बन गया है, तो ऑप्शन सी स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। इस रोवर का नाम याद रखना है जुरोंग, कहाँ का है चीन का, परसिवरेंस पूछ लें तो कहाँ का है नासा का यानी कि अमेरिका का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन है जूलिया गामा ब्राजील, एंड्रिया मेजा मैक्सिको, एडलाइन कैस्टेलिनो भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रिया मेजो। तो एंड्रिया मेजा मैक्सिको से बिलोंग करती हैं और मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रिया मेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिए आप मिस यूनिवर्स का नाम एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं ये। आइए देखते हैं, और ये भी याद रखते हैं कि ये 2020 की हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑप्शंस हैं निकोलस फीफर, दूसरा ऑप्शन है महेश भूपति, सी लियंडर पेस और डी है राफेल नडाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। सिंपली आपको याद रखना है कि इस वर्ष का जो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, कहाँ के, स्पेन के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। ऑप्शन से बिहार, झारखंड, दिल्ली या फिर कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी जानते हैं, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि कोरोना कहर से बेसहारा हुए जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और ऐसे बुजुर्ग जिनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है या फिर जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, विदेशों में चले गए हैं जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए और वो यहाँ पर अकेले रहते हैं, तो उनकी देखरेख का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनकी देखरेख करेगी, उनकी दवाइयों का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई और बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने जा रही है कोरोना की वजह से, जो कि बेसहारा हो गए हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई और बुजुर्ग जो कि घर में जिनके कोई नहीं है तो उनकी देखरेख कब करेगी राज्य सरकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन से आपके इरिडा, दूसरा ऑप्शन है आपका केयर ग्रुप और तीसरा ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हरित ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इरिडा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इरिडा संस्था को हरित ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया गया है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखिए। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस शहर की प्रेरणापुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। ऑप्शन है दिल्ली, अमृतसर, अम्बाला या फिर जबलपुर।